आप 5 मिनट का समय दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की। हमारी माताएं, हमारी बहनें 12 बजे से आके बैठी थी और काफी लोग जा चुके हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मुख्य मोदी मुख्य अतिथि हमारे जो है माननीय सतीश मिश्रा जी, मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि पुनः जल्द आप लोगों के बीच में मुझे आशीर्वाद देने आएंगे, मुझे विश्वास है। और हमारे बीच इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे वरिष्ठ मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उनका और मोहान विधानसभा की पूरी कमेटी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए सबका तहे दिल से मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। माननीय मुख्य अतिथि जी ने अभी आपका मार्गदर्शन किया, पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, आगे चुनाव के 2 महीने बचे हैं और चुनाव में हम लोगों को मेहनत करनी है और दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि जब हम लोग संघर्ष और मेहनत करेंगे तभी 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बना पाएंगे। भाइयों, जो प्यार इसने मुझे दिया है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं आप लोगों से इतना निवेदन करता हूं कि मुझे एक मौका दीजिए, अपना भाई समझ के, अपना साथी समझ के इस महान विधानसभा का नेतृत्व करने का, कि जो सहयोग आपने मुझे 11 तारीख को दिया था, वही सहयोग हम चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे कि अपने छोटे भाई को भारी मतों से महान विधानसभा जिताकर भेजने का काम करेंगे। भाइयों, बहुत समय हो गया है, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। यहाँ पर जितने लोग आए थे हमारे कार्यकर्ता महान विधानसभा का, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच पर बैठे हमारे मंचाशील जितने हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के बिहार पे बोल रहा हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कहा है कि जो आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है, इतनी देर के बाद कम से कम 5 घंटे से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को हृदय की गहराई से धन्यवाद ही। और ये हम लोग आश्वस्त होकर के जा रहे हैं कि विनय चौधरी निश्चित रूप से विधानसभा पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, चुनाव से पहले पहले, आचार संहिता लगने के पहले पहले एक बार इसी प्रांगण में आप सब लोग को आशीर्वाद देने के लिए दोबारा पहुंचेंगे। उस वक्त विनय चौधरी जी, आपको हम लोगों ने ये शिकायत नहीं कि हम लोग विलंब से आए, कि हम लोग पूरा विश्वास दिलाने के साथ साथ आज के बैठक का समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।